हेलो एवरीवन, वेलकम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। एस्केरिस का पहला जो पार्ट था वो मैंने बहुत पहले आपको अपलोड किया था, काफी टाइम हो गया है उसको। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं। बात करें, आज हम बात करेंगे एस्केरिस के आगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके लाइफ साइकिल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड से शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। देखो, मैंने बॉडी वॉल तक आपको बता दिया था। आगे देखो कि एस्केरिस की स्यूडोसील में 5 तारकाएं धेद्रीय मीजेनकाइम कोशिकाएं होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्यूडोसिलोमेट। आप इसे इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। जो ये जो स्यूडोसिलोमोसाइट होती हैं, ये एडल्ट वयस्क के अंदर रिड्यूस हो जाती है, मतलब इतनी ज्यादा वेल डेवलप नहीं होती है। तो इन कोशिकाओं का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि एस्केरिस की स्यूडोसील में कौन सी कोशिकाएं होती हैं जिनकी ताराकार शेप जिनकी होती है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। आगे है, नेक्स्ट हम बात करें कि जो स्यूडोसिलोम है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। और ये क्या काम करता है, ये द्रव स्थितिक कंकाल की, मतलब ये जो एस्केरिस कंकाल है उसके जैसे काम करता है, क्योंकि ये फ्लूइड की वजह से, द्रव की वजह से, इसलिए हम इसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, द्रव स्थितिक कंकाल कहते हैं। बॉडी को एक तरीके से शेप प्रोवाइड करने का ये काम करेगा। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि इम्पोर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? तो हमें पता है एस्केरिस किस में है, एस्के हेलमेंथीज में है। इसकी आहार नाल कैसी होगी? सीधी होगी और संपूर्ण होगी। संपूर्ण का मतलब यहाँ माउथ टू एनस सारे जो है पार्ट वहां पर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर अल्प विकसित क्या पाया जाता है, पाचन तंत्र। और ये अल्प विकसित क्यों पाया जाता है, इसका सीधा सा कारण ये है क्योंकि ये परजीवी है। और आप सबको पता है, जो भी परजीवी होगा उसके अंदर ऐसी चीजें कि उन्हें तो वो दूसरे के होस्ट की बॉडी में रहेंगे, तो उन्हें एज मच इस डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। ये पहले से अब्सॉर्ब फूड है उसको ग्रहण करेंगे। दूसरा, तो ये पूर्व पाचित डाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, ग्रहण करता है। दैट्स वाई इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पुअर डेवलप होता है। इसका मुंह 3 लिप से घिरा होता है, जो कि कैसे होते हैं, सेंसरी होते हैं, बाहर के बारे में इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये ध्यान रखना, लिप्स कितने हैं, 3 हैं। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है माउथ। माउथ इसका कैसा होता है, ट्राई रेडिएट, मतलब तिकोना सा, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। एपरेचर सराउंडेड बाय द 3 लिप्स। ये दोबारा बात आ गई कि इसके कितने लिप्स होते हैं, 3 लिप्स इसके अंदर होते हैं। माउथ के जस्ट बाद में जो पोर्शन आएगा वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स में इसने बोल रखा है कौन सी मसल है, रेडियल मसल। आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है कि मसल कौन सी होती है, रेडियल मसल, क्योंकि मसल है तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट करेगी। तो ये जो फेरिंग्स में जो कॉन्ट्रेक्शन डायलेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, रेडियल मसल्स की तरह होगा। इसकी गुहा भी कैसी होगी, ट्राई रेडिएट। आपको देखो, 1, ये 2 और ये 3, 3 कोने आपको ये दिखाई दे रहे हैं। हर कोने पर मार्जिनल फाइबर होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको ये शो हो रहे हैं, जो कि ट्राई रेडिएट शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करने का काम करेंगे। मैंने साइड में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी है कि फेरिंग्स में कितनी ग्लैंड पाई जाती है, 3 ग्लैंड सेल्स पाई जाती है, जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि अभी जैसे मैंने बताया स्यूडोसिलोमोसाइट है, उसकी शेप क्या है, क्या तो ऐसे पूछ लिया, या फिर उसका नाम पूछ लिया जाए, या फिर आपसे पूछा जाए कि फेरिंग्स में कितनी ग्लैंड कितनी है। तो ये आपको नंबर ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि कौन कौन सी ग्लैंड है, फेरिंजियल और ईसोफेजियल ग्लैंड हम इसको कहते हैं, जिनका काम क्या होता है, पाचक रसों का स्त्रावण करना। नेक्स्ट है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है, दे फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलुमुलर एपिथीलियम। ध्यान रखना यहाँ कौन सा टिश्यू होगा, कॉलुमुलर एपिथीलियम होगा। और यहाँ पर बाहर की तरफ किसकी लाइनिंग होगी, क्यूटिकल की लाइनिंग होगी। अंदर की सतह पे क्या पाए जाएंगे, भाई इंटेस्टाइन है तो क्या पाए जाएंगे, माइक्रोविलाई, जो कि क्या करेंगे अवशोषण की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टम। इसमें म्यूकस स्रावित करने वाली ग्रंथियां उपस्थित होती है रेक्टम के अंदर,
और यहाँ पर यूनिसेलुलर रेक्टल ग्लैंड होती है, और ये आप इम्पॉर्टेंट लगा लेना, ये आपसे आरपीएससी के पेपर में जरूर पूछा जा सकता है इम्पॉर्टेंट, कि मेल के अंदर रेक्टल ग्लैंड कितनी होती है, नंबर याद रखना है 6, और फीमेल में कितनी होती है 3। ये कई चीज़ें ऐसी रट्टालोजी वाली है जो हम भूल जाते हैं, तो इनको जब जो मैंने शॉर्ट नोट्स वाली बात की है उसमें भी आप ये लिख के रखोगे, रेक्टम रेक्टल ग्लैंड इतनी है, यहाँ पर 3 ग्लैंड प्रेजेंट है, यहाँ सूडोसिलोमोसाइट है, ये वाला हिस्सा ये काम है, तो वो वाली चीज़। फीमेल के अंदर रेक्टम सीधा किस में खुलेगा, एनस में, क्योंकि आपको पता है सिंगल एनस ही होता है वहाँ पे, जबकि मेल में क्या होता है क्लोएकल अवस्कर छिद्र होता है, तो उसके अंदर ये खुलेगा, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था। बात करें एस्केरिस में पाचन कैसा होता है, तो एस्केरिस में जो पाचन है वो बाह्य कोशिकीय होता है, मतलब सेल के बाहर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिजर्व फूड होता है वो कौन सा होता है, ग्लाइकोजन, मैंने स्टार भी लगा रखा है, आपको भी ध्यान में रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ रिजर्व फूड संग्रहित जो भोज्य पदार्थ है वो कौन सा होता है, तो वो ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट आता है डाइजेशन के बाद में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसा होता है, एनएरोबिक, मतलब कि भाई सीधी सी बात है क्योंकि ये क्या है विपरजीवी है, तो नॉर्मली यहाँ पे एनएरोबिक आपको देखने को मिलेगा, नॉट ऑलवेज, मैंने मोस्टली लिखा है, ध्यान रखना। लेकिन जब भी इंटेस्टाइन में आपके फ्री ऑक्सीजन उपलब्ध होगी तो ये क्या करेगा, ऑक्सी श्वसन कर सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन ये कर सकता है, और उस समय ये क्या करता है, ग्लाइकोजन को CO2, फैटी एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है, कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन यहाँ पर नहीं होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। अरे एस्क्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, तो एस्क्रीशन का तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे प्लेटी हेलमेंथीज का फ्लैम सेल आता है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो यहाँ देखो एस्क्रीशन के लिए क्या पाई जाती है, रेनेट सेल्स पाई जाती है, ठीक है, जो कि किस शेप की होती है, एच शेप्ड की है, एच फॉर हैन, वो वाला एच, ठीक है। एस्क्रीटी सिस्टम रेनेट सेल से ही बनता है, दाई व बाई दो अनुदरीय उत्सर्जन कैनाल उपस्थित होती है, जिससे कि क्या होगा, ये अपने जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करेगा। ज्यादा डिटेल आपको नहीं देखनी है, आपको सेल का नाम याद रखना है, इसकी शेप याद रखनी है, ठीक है। एस्क्रीटी प्रोडक्ट भी आपको याद रखना है, ज्यादा क्या होता है अमोनिया और यूरिया, और ज्यादा कौन सा है, यूरिया ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है अमोनिया वहां ज्यादा होगा जहां पानी की मात्रा ज्यादा होगी। बात करें नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट आता है नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम कितनी नर्व से मिलकर बना हुआ है, 162 नर्व से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखना। फिर फेरिंग्स के चारों तरफ, जैसे आप एनेलिडा में अर्थ फॉर्म में निकालते हो वैसे यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होती है, ब्रेन रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे हम सरकम फेरेंजियल रिंग, क्योंकि ये गोल होती है सरकम फेरेंस वाली चीज, तो इसलिए सरकम फेरेंजियल रिंग भी हम इसे कहते हैं, जो कि इसके अंदर किसका काम करती है, ब्रेन का काम करती है। नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगा रखा है, जहां पर भी मैंने स्टार लगा रखा है आप आरपीएससी भी लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन रिंग में कितनी गैंग्लियोन उपस्थित होती है, ध्यान रखना है यहाँ 7 गैंग्लियोन उपस्थित होती है, एक होती है डोर्सल, 2 वेंट्रल और 2 लेटरल। अब आप बोलोगे मैडम ये कैसे, तो यहाँ आपको आपने तो 7 बताई लेकिन ये तो टोटल 5 ही हो रही है, तो आप देखो हमें है तो 7 गैंग्लियोन, देखिए हमें दिखाई देती है ओनली 5, क्योंकि लेटरल गैंग्लियोन 2 गैंग्लियोन के फ्यूजन से बनती है, क्योंकि ये वाली जो 2 है ना, एक लेटरल, वो 2 से बनती है, तो यहाँ 4, 2, 6 और 1, 7। तो आपसे पूछा जाए ब्रेन रिंग में कितने गैंग्लियोन होते हैं, तो आपका सीधा आंसर होना चाहिए 7, लेकिन आपको दिखाई कितने देते हैं, तो आप क्या बोलोगे दिखाई हमें कितने देते हैं, दिखाई हमें सिर्फ 5 देते हैं, क्योंकि लेटरल फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। फिर है ब्रेन रिंग से आगे की तरफ 8 नर्व होती है, पीछे की तरफ 8 नर्व होती है, जिससे कि पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। देखो आगे हम बात करते हैं संवेदी अंग की, सेंसरी ऑर्गन की, तो सेंसरी ऑर्गन सबसे पहले तो लेबियल पेपिला, लेबियल से आपको हमेशा बायोलॉजी में ध्यान रखना है, लेबियल का मतलब लिप्स की बात कर रहा है, तो माउथ पे आपके 3 लिप्स प्रेजेंट होते हैं इसके, सॉरी एस्केरिस के, जो कि कैसे होते हैं, टेस्ट को ग्रहण करने वाले स्वादग्राही। फिर है सर्विकल पेपिली, जो कि 1 पेयर होते हैं, जो कि स्पर्श के लिए होते हैं। जेनिटल पेपिली मेल में कितने होते हैं, 55 पेयर, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, ये बहुत पूछा जाता है कि जेनिटल पेयर पेपिला सिर्फ और सिर्फ मेल में होते हैं, 55 पेयर होते हैं, शायद मैंने आपको पहले भी समझा दिया। नेक्स्ट है एम्फिड और फेजमिड, आगे की तरफ जो होते हैं वो एम्फिड, पीछे की तरफ जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो फेजमिड, ए से एंटीरियर, पी से पोस्टीरियर। प्रत्येक पार्श्व
अधरीय ओष्ठ पर उपस्थित होते हैं, ये स्वादग्राही या रसायन ग्राही होते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तेल के दाएं बाएं जो होगा है, और ये रसायन ग्राही होते हैं, ये कौन से होते हैं? फेजमेट, एम्फिड फेजमेट का ज्यादातर यही आता है कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एंटीरियर में जो होते हैं वो एम्फिड होते हैं, पोस्टीरियर में हो जाए फेजमेट होते हैं। तो हमने इस तरीके से इसको देखा। नेक्स्ट आता है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो एस्केरिस यूनिसेक्सुअल है और यहाँ आपको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म लैंगिक द्विरूपता देखनी है, मतलब मेल और फीमेल को आप बाहर से देखकर पहचान सकते हैं, और कैसे पहचान सकते हैं हमने अर्लियर इसको डिस्कस कर लिया। बात करें सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव नर जनन तंत्र में सबसे पहले क्या होगा? टेस्टिस। सबसे पहले क्या है? टेस्टिस, जिसे हम बोलते हैं वर्षण। और कितना वर्षण पाया जाता है? ध्यान रखना एक वर्षण। और ये आरपीएससी पूछा गया था 2020 में जो पेपर हुआ था उसमें, कि एस्केरिस में कितने वर्षण पाए जाते हैं? एक वर्षण पाया जाता है। कौन से कहेंगे से? मोनोडेल्फिक। वर्षण शरीर के मध्य तक फैला रहता है, आकार में लंबे धागे के समान, कुंडलित नली के समान होता है, ठीक है, एक धागा जो कि उलझा हुआ है कुछ ऐसा हमें दिखाई देता है। वर्षण की भित्ति में घनाकार कोशिकाओं की परत होती है जो कि आधारित झिल्ली के द्वारा आवृत रहती है। वर्षण की केंद्रीय अक्ष एक ठोस कोशिका द्रव्य रैचिस की मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना कि एक बीच में ऐसे खाली सी जगह आपको एक सेंट्रल एक्सिस है वो आपको वहां दिखाई देगी, मैं आपको डायग्राम इस लास्ट में शो कर दूंगी। बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एस्केरिस में स्पर्म कैसा होता है? ध्यान रखना टेललेस, कि टेल नहीं होती है, और अमीबॉइड मतलब कोई पर्टिकुलर वहां पे शेप नहीं होती है। और अभी जो मैंने रेचिस की बात की वो क्या करता है? स्पर्म को पोषण प्रदान करने का काम करता है, उसको खाना देता है। बात करें नेक्स्ट वासा डिफरेंस शुक्र वाहिनी की, शुक्राणु का क्रियात्मक परिपक्वन यहाँ पर होता है और यहाँ पर सेंट्रल रेचिस नहीं होती है, ठीक है। बनते कहाँ है शुक्राणु? आप सबको पता है टेस्टिस में बनते हैं। फिर उनका मैच्यूरेशन, ताकि वो फर्टिलाइजेशन करने के कैपेबल हो, वो कहाँ पर होता है? शुक्रवाहिनी में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैच्यूरेशन कहाँ होगा, आपको ध्यान रखना है वासा डिफरेंस में। नेक्स्ट सेमिनल वेसिकल, परिपक्व स्पर्म को स्टोर करने का काम, संग्रहित करने का काम कौन करेगा? आपके शुक्राशय, नाम से पता चल रहा आशय जो किसी को शरण देता है। यह इजेकुलेटरी जिसे स्कनल लाल के होते हुए क्लोएकल चैम्बर में खुल जाता है, मतलब शुक्राशय आगे जाके किसमें खुलेगा? इजेकुलेटरी डक्ट है वहां से जुड़ेगा और फिर आगे जाके अवस्कर प्रकोष्ठ से वो बाहर निकल जाएगा। तेल के अंदर क्या होता है? क्लोएका प्रेजेंट होता है। इजेकुलेटरी डक्ट, नेक्स्ट आएगा स्कलन लाल, इसमें बहुत से क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिनकी सिक्रेशन से मैथुन मेटिंग में या कॉपुलेशन मिलती है, हेल्प मिलती है। आपसे पूछा जाए एक पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, एस्केरिस में कितनी टेस्टिस होती है? भाई एक ही टेस्टिस होता है, एक ही वर्षण होता है। काम क्या होगा? स्पर्म को बनाना। रेचिस होती है या नहीं होती है? आप बोलोगे होती है। परिपक्वन कहाँ होता है? आप बोलोगे वासा डिफरेंस में। स्टोरेज कहाँ होता है? सेमिनल वेसिकल में, ठीक है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है? इजेकुलेटरी डक्ट में। क्या काम होता है? कॉपुलेशन में हेल्प करना। क्लोएकल चैम्बर, अवस्कर प्रकोष्ठ, इससे संबंधित दो बड़े सैक होते हैं और इन सैक को पीनियल सैक कहते हैं, मतलब क्लोएकल सैक में क्या पाया जाता है? पीनियल सैक। और पीनियल सैक से क्या निकली हुई होती है? यहाँ पे पाई जाती है आपके पीनियल सिटी, ठीक है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मेल के अंदर पीनियल सिटी आपको देखने को मिलती है। काम क्या होता है पीनियल सिटी का? ये मैथुन के समय, कॉपुलेशन के समय जो फीमेल एस्केरिस है उसके गोनोफोर को खोलने का काम करता है, ताकि मेल के स्पर्म फीमेल के गोनोफोर के अंदर एंट्री कर जाए, उसकी बॉडी के अंदर चले जाए। तो कुछ इस तरीके से इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको आई होप समझ में आया। हेलो, तो हमने इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप डायग्राम इस तरीके से देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो आपको कॉइल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है टेस्टिस, उसके बाद में वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजेकुलेटरी डक्ट, और यहाँ आप पीनियल स्पिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। बाकी डायग्राम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बी वाला पोस्टीरियर एंड को शो कर रहा है, सी जो डायग्राम है वो ट्रांसफर टीएस को शो कर रहा है वासा डिफरेंस का, और डी वाला जो डायग्राम है वो इसके शो कर रहा है एक ये जो डी वाला डायग्राम है इसके जो शो कर रहा है टेलनेस।
कैसा इसका टेल नेस होता है और अमीबॉइड शेप का होता है। बात करें आगे एस्केरिस में मादा जनन की, तो मादा जनन तंत्र में आपको सबसे पहले क्या दिखाई देगा, अंडाशय। कितने अंडाशय होते हैं, दो। तो दो ओवरी होती है, ध्यान में रखना है। टेस्टिस कितनी थी, एक। ओवरी कितनी है, दो। दो ओवरी है तो कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम डाइडेल्फिक कंडीशन हम यहाँ पर बोलते हैं। क्या मीडियल सेंट्रल रेचिस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ किससे लाइनिंग रहती है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम की यहाँ पर लाइनिंग रहती है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बात करें अंडवाहिनी की, तो वाहिनी यहाँ पर कितनी होगी, एक जोड़ी होगी, जहाँ सेंट्रल रेचिस नहीं होगा। फिर है गर्भाशय, जो कि लंबा होगा, मस्कुलर होगा, ग्लैंडुलर होगा, आपको सबको पता है भाई ऐसा ही होगा क्योंकि तो बहुत सारे सिक्रेशन करने होते हैं। और लास्ट में क्या होगी, वेजाइना, फीमेल गोनोपोर से बाहर की तरफ खुलने का काम करेगी। नेक्स्ट मैथुन क्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मैंने डबल टिक भी इसलिए लगा रखा है कि मैथुन क्रिया कहाँ होती है। तो एस्केरिस में मैथुन क्रिया मानव आंत के इलियम में होती है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि हमारी तो आंतों में रहता है, हमारी तो शरीर में रहता है, तो यहाँ जो पाचन मैथुन क्रिया होती है वो इलियम में होती है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है मैडम, फर्टिलाइजेशन गर्भाशय के प्रारंभिक भाग में या फिर ओविडक्ट के एंड सिरे पर होता है। ये एस्केरिस के शरीर के अंदर है, फीमेल एस्केरिस है ना, और ये मैथुन क्रिया मेल और फीमेल एस्केरिस बॉडी के अंदर है, वहां उनमें कॉपुलेशन हुआ। सिर्फ फीमेल के अंदर कहाँ, तो यूट्रस और ओविडक्ट है, उसके एंड सिरे पर आपको देखने को मिलता है। एक एस्केरिस एक दिन के 2.5 लाख अंडे देती है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और ये आप इसका डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सबसे पहले आपको ये ओवरी दिखाई दे रही है, और ये जो कि ये फर्स्ट वाला है, ये ओवरी का ट्रांसफर सेक्शन भी आपको देखने को मिलाई देगा। और ये जो देखो ये वाली चीज आपको यहाँ पे रेचिस यहाँ पर इस तरीके से शो हो रही है। ये जो आपकी ग्रीन ग्रीन है ये ओगोनिया है, इनके अंदर न्यूक्लियाई है, और ये चारों तरफ ये जो लाइनिंग है वो किसकी है, जर्मिनल एपिथीलियम की। ओवरी के जस्ट बाद में क्या होगी भाई, ओविडक्ट होगी, और ओविडक्ट के बाद में आप ये जो देखो एक येल्लो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसकी येल्लो वाला पोर्शन दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि आपको ब्लैक 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 डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, यूट्रस विद एग, ठीक है। नेक्स्ट है यूट्रस का, अगर मैं टीएस देखूं तो कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई देता है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि हमने क्या बात की है। लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस ध्यान से देखिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आपके हैं, और इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आप मेरी बस बात ध्यान से सुनते जाइए। पहले मैं बात करूं मेल और फीमेल, मेल से मेल एस्केरिस क्या स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवा ओवम एग प्रोड्यूस करेगा। पहले तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, मैंने आपको बताया इलियम में होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जब ये एग फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे, पूरे एग बन गए हैं, तो ये फर्टिलाइज एग जो भी मानव है, मानव के मल के साथ, ठीक है, होस्ट फीसेस के साथ बॉडी से क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बॉडी से बाहर आने के बाद में 10 से 14 दिन के अंदर ये सबसे पहली मोल्टिंग करेंगे, और ये जो रेप्टिडेड फॉर्म है इसमें रेप्टिडी फॉर्म लार्वा है उसमें फर्स्ट मोल्टिंग होगी, और पहली स्टेज का जुवेनाइन लार्वा आपके बनके तैयार हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज जुवेनाइन, आपको ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन हमारी बॉडी में होगी, ठीक है, एग तैयार हो गया, एग क्या होंगे, फीसेस के साथ बाहर आएगा, बाहर आने के बाद सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेज यहाँ पर बनेगा। 7 दिन के अंदर ये जो फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल लार्वा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेज जुवेनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे किसकी शेप ले लेगा, वो एम्ब्रियोनेटेड एग है उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। एम्ब्रियोनेटेड एग मतलब अंडे है उसके अंदर क्या है, लार्वा प्रेजेंट है। यहाँ पर देखो ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग है वो नया जो होस्ट है वो क्या करेगा, उनको निगल लेगा, ठीक है। जैसे बाहर मिट्टी वगैरह है उसके अंदर ये एम्ब्रियोनेटेड एग है, और किसी बच्चे वगैरह ने वो मिट्टी वगैरह कुछ खा ली तो उसके शरीर के अंदर ये चला जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि विच स्टेज इज इन्फेक्शियस फॉर ह्यूमन, हमारे लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है। तो क्या तो वहां लिखा आएगा सेकेंड स्टेज लार्वा, या वहां पे लिखा आएगा एम्ब्रियोनेटेड एग, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमारी बॉडी में थे,
बॉडी से बाहर आके फर्स्ट स्टेज लार्वा, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज लार्वा होते ही दोबारा क्या होगा, इसका संक्रमण हो जाएगा। अब ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग हमारी बॉडी में आए हैं, ये कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन में जाएंगे और ये एग है वो हैच होंगे और इनके अंदर से लार्वा निकलेंगे। ये जो है वो क्या करेंगे, इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइन की वॉल को भेदते हुए कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में। ब्लड से कहाँ जाएंगे भाई, ये हिपेटिक पोर्टल वेन में चले जाएंगे। हिपेटिक पोर्टल वेन से ये सीधा सर्कुलेट कहाँ जाएंगे, लीवर की कैपिलरी में। और लीवर की कैपिलरी से हिपेटिक वेन से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, वेना कैवा, मतलब ये हार्ट में चले गए। आपको वो वेना कैवा ये है, और वेना कैवा आपको पता है कहाँ जाके खुलती है, राइट ऑरिकल में, हार्ट के राइट ऑरिकल। मतलब अगर मैं सीधा बात करूँ, एम्ब्रियोनेटेड एग आपके इंटेस्टाइन में आए, इंटेस्टाइन से आपके कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। ब्लड से लीवर से होते हुए कहाँ जाएंगे, आपके हार्ट में जाएंगे। हार्ट से फिर आपको पता है हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स से कहाँ जाएगा, लंग्स एल्वियोलाई। लंग एल्वियोलाई में जाने के बाद 10 दिन तक वो वहीं रहेगा और उस दौरान उसके अंदर क्या होंगे, मोल्टिंग होगी। छठवें दिन तो दूसरी मोल्टिंग होगी और 10वें दिन तीसरी मोल्टिंग होगी। अब देखो, दो स्टेज लार्वा पहले हो गए थे, दूसरी जो मोल्टिंग होगी उससे बनेगा थर्ड स्टेज लार्वा और फिर बनेगा आपके फोर्थ स्टेज लार्वा। तो आपसे पूछा जाएगा कि फोर्थ स्टेज लार्वा कहाँ होता है, तो आपको ध्यान में रखना लास्ट मोल्टिंग कहाँ हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, वो हो रही है आपके लंग्स में हो रही है। और फिर आपके यहाँ होने के बाद में ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम उल्टा चलेगा। ये जो आपके ये लंग्स है, तो ये यहाँ से होता हुआ, ये ट्रेकिया होता हुआ कहाँ चला जाएगा, फेरिंग्स में। ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकी, फिर ट्रेकिया, फिर फेरिंग्स। और फेरिंग्स में आते ही ये कहाँ चला जाएगा, आपकी फूड पाइप में, गलट में चला जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा। और ईसोफेगस में जाने के बाद में इसमें लास्ट मोल्टिंग होगी, जिसे क्या बोलेंगे, चौथी मोल्टिंग। और ईसोफेगस में जब चौथी मोल्टिंग हो जाएगी, ये डेवलप हो गया है, ये वापस कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा, एक तरीके से डेवलप हो जाएगा और वापस से ये अपनी ये वाली लाइफ साइकिल पूरी करेगा जो कि मैंने आपको बताई। अगर मैं इसको शॉर्ट करके दिखाऊं तो आप इसको एक बार में ये इस तरीके से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आपके ज्यादा ही हो गया, इसको मैं पहले दोबारा ही कर देती हूँ। मैं इमेज आपको शो कर दूंगी तो आप एक साथ इसको बना पाओगे, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, सीधा सा, सबसे पहले फर्टिलाइज एग बॉडी से बाहर आएंगे, पहला स्टेज लार्वा, दूसरा स्टेज लार्वा। दूसरा स्टेज लार्वा एम्ब्रियोनेटेड एग क्या होगा, दोबारा से संक्रमण कर देगा, दोबारा से मानव शरीर में आ गया। मानव शरीर में पहले इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, आपके ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगा, लीवर में, लीवर से हार्ट में, हार्ट से लंग में। फिर लंग में बनेगा तीसरा और चौथा स्टेज का लार्वा। लंग से वापस आपकी ईसोफेगस में जाएगा, वहां होगी चौथी मोल्टिंग। और फाइनली फिर जब आप फूड वगैरह कुछ निगलोगे तो कहाँ चला जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा, जहां पर वो पूरी डेवलप होके वापस से उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, वापस से कॉपुलेशन वगैरह चीजें होंगी, लाइफ साइकिल चला जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच स्टेज इज इन्फेक्शियस फॉर ह्यूमन, तो आपको आपको आंसर देना है सेकंड स्टेज लार्वा इन्फेक्शियस होता है। अभी ये क्वेश्चन जस्ट पूछा भी गया था, आपको ये ध्यान में रखना है। आप इसको इस तरीके से, इस वाला जो इमेज है, आपको ये गूगल पे मिल जाएगी इमेज, वहां से आप देख सकते हो, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये देखो सेकेंड स्टेज लार्वा है, फिर आपके ये वापस चला गया, ये देखो सबसे पहले कहाँ है, हिपेटिक पोर्टल लीवर, फिर आपके हार्ट, फिर लंग्स। लंग्स में सेकंड मोल्टिंग हुई, थर्ड स्टेज लार्वा हुआ, फोर्थ स्टेज लार्वा बना और वापस फिर इंटेस्टाइन में आपके पहुंच गया। और फाइनली फोर्थ मोल्टिंग आपके इंटेस्टाइन में होके वापस ये यंग वंस में डेवलप हो गए। तो ध्यान रखना चौथी मोल्टिंग कहाँ होगी, आपके इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।